हेलो एंड वेलकम टू ISPSE सॉल्यूशन। मैं अभिमन्यु और आज का हमारा टॉपिक है बिहार का अर्थव्यवस्था। देखिए, कुछ लोग कमेंट में लिखे हैं कि कुछ इकोनॉमिक से वीडियो बनाइए, कुछ हिस्ट्री का जो आंदोलन है उससे बनाइए, कुछ करंट अफेयर से बनाइए, तो मैं इन सबको कवर करूँगा। कल तक मैं ये जो जितना जो टॉपिक है सब पे वीडियो बना दूँगा, और मैं सोच रहा हूँ कि एक से दो वीडियो करंट अफेयर के लिए। तो करंट अफेयर जनवरी 2016 से अब तक का जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स है बिहार का, वो मैं एक से दो वीडियो में कवर कर लूँगा। उसको आप सैटरडे शुक्रवार से शनिवार को भी देखेंगे तो वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं कल से परसों तक ये सारे वीडियो अपलोड कर दूँगा। और देखिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेझिझक आप कमेंट में लिखिए, या आपको आपकी कोई सुझाव हो तो वो कमेंट में लिखिए, या कोई स्पेशल वीडियो आप बनवाना चाहते हैं किसी टॉपिक पे तो वो आप कमेंट में लिखिए। देखिए, मैंने ट्यूटोरियल जो है वो थोड़ा सा लेट से स्टार्ट किया था, इसलिए मैं कोई डिटेल्स आपको नहीं बता पा रहा हूँ, सिर्फ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैं बता पा रहा हूँ। तो आगे का जो भी एग्ज़ाम होगा, आप चाहते हैं कि उसके लिए वीडियो बनाए, तो आपका जो भी एग्ज़ाम आने वाला है वो कमेंट में लिखिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और डिटेल्स में बनाऊंगा। क्योंकि अभी समय नहीं है इसलिए मैं डिटेल्स कुछ भी नहीं बता रहा हूं, और आगे का जो वीडियो मैं बनाऊंगा स्पेशल हिस्ट्री पे, ज्योग्राफी पे, इकोनॉमिक्स पे, पॉलिटी पे, तो वो पूरा डिटेल्स में बताऊंगा, और इसके बाद उस पर कुछ MCQs लाऊंगा ताकि आपका जो पढ़े हैं वो क्लियर हो जाए, ठीक है। और जो व्यक्ति स्टूडेंट घर पे रहकर पढ़ाई करना चाहते हैं, बाहर नहीं है, तो उनके लिए मैं एक उनके लिए बहुत ही ढंग का वीडियो बनाऊंगा कि वो घर पे रहकर ही अपना पढ़ाई पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक बिहार का अर्थव्यवस्था। देखिए, अर्थव्यवस्था में मैं दो वीडियो लाऊंगा। एक वीडियो में जैसे क्वेश्चन अगर ज़्यादा हो जाता है तो थोड़ा सा वीडियो जो है वो लेंदी टाइप का हो जाता है, ज़्यादा समय कोई उतना नहीं देना चाहता है, और छोटा छोटा वीडियो हो तो आपके दिमाग में थोड़ा ज़्यादा आता है। तो मैं इसको दो पार्ट में इकोनॉमी को कर दिया हूँ, तो ये हमारा पार्ट वन है, ठीक है। तो चलिए, पार्ट वन का कुछ MCQs कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इम्पोर्टेंट। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2016-17 के लिए बिहार का बजट किसने पेश किया। तो वर्ष 2016-17 के लिए बिहार का बजट अब्दुल बारी सिद्दीकी ने पेश किया। किसने? अब्दुल बारी सिद्दीकी ने। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2016-17 का बिहार बजट पेश किया गया, तिथि पूछ रहा है कि कब पेश किया गया, तो 26 फरवरी 2016 को पेश किया गया था। देखिए, BPSC का जो एग्ज़ाम है वो 12 फरवरी को है, और 12 फरवरी के बाद ही 2017-18 का जो बजट है वो पेश होगा। तो हम लोग को एग्ज़ाम जो BPSC है उसके लिए पिछला जो बजट है उसको ही ध्यान में रखना होगा, और उसके ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं उसको हमें ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो जो पिछला जो बजट था वो कब पेश हुआ था? 26 फरवरी 2016 को। अगला है, बिहार के बजट 2016-17 का कुल आयोजन व्यय कितना था? तो वो था 72,419.32 करोड़ रुपया, 72,419.32 करोड़ रुपए, ये 2016-17 का कुल व्यय आयोजन व्यय था। अगला है, बिहार के बजट 2016-17 में राजस्व प्राप्तियां अनुमानित है, मतलब कितना राजस्व प्राप्त होगा उसका अनुमान कितना है, तो है 12,04,590.24 करोड़ रुपए, ठीक है। अगला है, बिहार में वित्तीय वर्ष 2016-17 में राजस्व अधिशेष राज्य सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है। एक बार फिर से क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूँ, बिहार में वित्तीय वर्ष 2016-17 में, इसको ध्यान में रखना है, 2016-17 में राजस्व अधिशेष राज्य सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है, तो वो है
2.62%, कितना है 2.62, ऐसे भी याद रख सकते हैं 2.62% ठीक है। अगला है, वर्ष 2016-17 के बिहार बजट में सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP कितना अनुमानित है, तो वो है 558,806.65 करोड़ ठीक है। तो इन सब डेटा को आप नोट कर लेंगे, ये जो है जो अनुमानित है उनको आप नोट कर लेंगे। अगला है, बिहार के बजट 2016-17 में राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान कितना है, तो वो है 16,014.26 करोड़ रुपए। राजकोषीय घाटा रहने का क्या अनुमान है, कितना है, वह 16,014.26 करोड़। अगला है, बिहार के बजट 2016-17 के अनुसार इस वर्ष राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहना अनुमानित है, तो वो है 2.87%। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, बिहार के बजट 2016-17 के अनुसार इस वर्ष राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहना अनुमानित है। देखिए, अगर बजट का पूरा राजकोषीय घाटा पूछता है तो वो इतना है, और अगर परसेंटेज पूछता है तो 2.87% है ठीक है। अगला है, बिहार के बजट 2016-17 में कर राजस्व प्राप्तियां अनुमानित है, मतलब कर जो है, टैक्स जो है, वो राजस्व प्राप्तियां कितना अनुमानित है ठीक है, टैक्स, तो वो है 88,089.99 करोड़ रुपए। तो ये थोड़ा सा आसान है याद करने के लिए कि जो टैक्स है वो कितना अनुमानित है, कि ये इतना हम लोगों को राजस्व में मिल जाएगा, तो वो है 88,089, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, 88,089.99 करोड़ रुपए, बिल्कुल आसान डेटा है, 88,089.99, ये एक मोबाइल नंबर की तरह बन जा रहा है ठीक है, 88,089.99 करोड़ रुपए ठीक है। अगला है, बिहार के बजट 2016-17 के कुल व्यय 1,44,696.27 करोड़ रुपए में राजस्व व्यय, थोड़ा सा मिस हो गया, व्यय प्रस्तावित है, वो कितना प्रस्तावित है ठीक है, 1,09,940.78 करोड़ रुपए। इन सब डेटा को आप क्या कीजिएगा कि एक कॉपी पे पूरा लिख लीजिएगा और इनको रट लीजिएगा ठीक है। अगला है, बिहार के बजट 2016-17 में राज्य सरकार का स्वयं के करों में राजस्व अनुमानित कितना है, जो अपना जो टैक्स है सेंटर का हटा करके राज्य सरकार का जो टैक्स है उसमें 2016-17 में क्या अनुमान है, तो वो है 29,730.27 करोड़ रुपए, 29,730.27 करोड़ रुपए अपना टैक्स बिहार सरकार का ठीक है। अगला है, बिहार बजट 2016-17 में सबसे अधिक खर्च किस क्षेत्र में होंगे, तो 2016-17 में सबसे अधिक खर्च शिक्षा पे किया जाएगा ठीक है, मतलब 2016-17 तो ख़त्म ही है ये बजट, लेकिन उसका जो मेन था कि कितना किस पे सबसे ज़्यादा खर्च करने हैं, तो वो है शिक्षा। अगला है, बजट 2016-17 में बिहार में ब्याज भुगतान कुल राजस्व प्राप्तियों का कितना रहने का अनुमान है, मतलब कुल जो राजस्व प्राप्ति होगा उसमें ब्याज भुगतान कितना रहने का अनुमान है ठीक है, तो है 6.56। इन सबको बिना कॉपी पे लिखे नहीं होगा, लिख लीजिएगा और लिख करके एक बार आप देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा ठीक है। अगला है, बिहार में चलाई जाने वाली लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना का क्या उद्देश्य है ठीक है, एक योजना है लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना, वो बिहार में चलाई जा रही है, तो इसका उद्देश्य क्या है, तो इस योजना के अंतर्गत, सॉरी यहाँ पे आ गया है,
30,000 रुपये से कम वार्षिक आय वाली 2 लाख विधवाओं को प्रति माह 400 रुपये देने का प्रावधान है। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। इस योजना के अंतर्गत 30,000 रुपये से कम वार्षिक आय वाली 2 लाख विधवाओं को प्रति माह 400 रुपये देने का प्रावधान है। किस योजना में? लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना में, ठीक है। और बिहार सरकार, अगला है, बिहार सरकार द्वारा मुस्लिम महिलाओं के लिए कौन सी योजना परक प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही है, ठीक है। तो वो है हुनर योजना, मुस्लिम महिलाओं के लिए कौन सी योजना? हुनर योजना। अगला है, बिहार राज्य में दीर्घकालीन कार्यरत व्यक्तियों का कुल कार्यरत व्यक्ति में कितना प्रतिशत वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार है। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। बिहार राज्य में दीर्घकालीन, जो ज़्यादा दिन काम करने वाले हैं, कार्यरत व्यक्तियों का कुल कार्यरत व्यक्तियों में जितने जो कार्यरत व्यक्ति हैं उनमें कितना प्रतिशत वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार है, तो है 61.5%, जिसमें मैंने अलग अलग दे दिया है। पुरुष का है 68.5%, महिला का है 43%, शहरी लोगों का है 78.3%, ग्रामीण का है 59.7%। तो ये डेटा आप पूरा नोट कर लेंगे कि ग्रामीण का कितना है, शहरी का कितना है, महिलाओं का कितना है और पुरुष का कितना है, ठीक है। अगला है, बिहार में वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार कुल कार्यरत व्यक्तियों का प्रतिशत कुल आबादी का है। देखिए, कुल आबादी का प्रतिशत कितना है, ठीक है, कार्यरत व्यक्तियों का, तो वो है 33.4%। डेटा इजी है, याद रखना 33.4%। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो 12th क्लास होता है उसमें 33% पे पासिंग है, ठीक है, ये सब्जेक्ट में, तो 33.4%, और गैर कार्यरत 66.6%। तो बड़ा खतरा है, बहुत कम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अगला है, बिहार में गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का प्रतिशत 2002 से 17 में क्या था, ठीक है। तो 2002 से 7 में गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या 43.84% था। 2002 से 7 में कितना था गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या? 43.84, यानी कि बहुत ही गरीब, लगभग आधा बिहार गरीबी रेखा के नीचे, ठीक है। ग्रामीण जिसमें है 48.57%, ठीक है। तो आप इसको शहरी को भी निकाल सकते हैं कि शहरी कितना होगा। अगला है, बिहार राज्य में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? तो गरीबी का मुख्य कारण अर्ध बेरोजगारी एवं कृषि का परंपरागत स्वरूप, मतलब कि जो पहले कृषि करते आ रहे हैं लोग उसी तरीका जो है उनका वो पुराना वाला ही है, ठीक है। भूमि सुधार का अभाव, भूमि सुधार ढंग से नहीं किया जा रहा है। अगला है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का गलत लक्ष्य निर्धारण एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन में व्याप्त भ्रष्टाचार, ठीक है। अगला है, तेंदुलकर समिति के अनुसार 2004-05 और 2010-11 दोनों में बिहार का गरीबी अनुपात राष्ट्रीय स्तर की तुलना में काफ़ी अधिक है। वो पूछ रहा है कम है या अधिक है, तो काफ़ी अधिक है, ठीक है। इसमें डेटा मैंने दिया है 2004-05 में बिहार का 54.4% और भारत का 37.2%, और 2010-11 में बिहार का 33.7% और भारत का 21.9%। इस डेटा को आप नोट कर लेंगे, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगला है, बिहार में शहरी गरीबी अनुपात पूरे भारत की तुलना में क्या है, कम है या ज़्यादा है? तो काफ़ी अधिक है। एक बार फिर से पढ़ता हूँ, बिहार में शहरी गरीबी अनुपात पूरे भारत की तुलना में काफ़ी अधिक है, ठीक है। अगला है, वर्ष 2014-15 में बिहार में सामाजिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय था, मतलब
2014-15 में बिहार में सामाजिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति एक व्यक्ति पर कितना खर्च व्यय था, वो था 4,231 रुपये और कुल व्यय में सामाजिक सेवाओं का हिस्सा था 36.5%। कितना था? 36.5%। अगला है, बिहार के किस दो शहर का चयन राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत किया गया है, तो वो है पटना और बोधगया, पटना और बोधगया का, ठीक है। अगला है, बिहार में कपाट का कार्यालय कार्यरत है कहाँ पे? पटना में, राजधानी में, बिहार की राजधानी पटना में। अगला है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम मनरेगा के लिए बिहार में 2014-15 में जारी जॉब कार्ड की संख्या कितनी है, ठीक है। तो 2014-15 में जॉब कार्ड की संख्या कितनी है मनरेगा में? 13,031.22 लाख, बहुत ही ज़्यादा, 13,031.22 लाख। यहाँ पे एक ऑप्शन में हज़ार भी देगा, करोड़ भी देगा, लाख देगा, तो वो आपको, सॉरी, वो आपको लाख में जाना है, ठीक है। अगला है, बिहार में 2015 तक जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों की कुल संख्या कितनी थी? 2015 तक पूछ रहा है कि जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों की कुल संख्या कितनी थी? 42,141। अगला है, बिहार सरकार ने महादलित आयोग का गठन कब किया है? बिहार सरकार ने महादलित आयोग का गठन कब किया है? तो वो है अगस्त 2007 में महादलित आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। अगला है, बिहार में जननी एवं बाल सुरक्षा योजना का शुभारंभ कब से किया गया? देखिए, ये सब VBI है, इन सबको आप नोट कर लीजिएगा कि जो योजना है वो कब कब लॉन्च किया गया था, ठीक है। और ये अपडेट है, 2000 के बाद का जो योजना है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो जननी एवं बाल सुरक्षा योजना 1 जुलाई 2006 को प्रारंभ किया गया था, ठीक है, 1 जुलाई 2006 को। अगला है, बिहार सरकार द्वारा गठित तेंदुलकर समिति के प्रविधि के अनुसार वर्ष 2011-12 में बिहार का गरीबी अनुपात कितना था? 2011-12 में बिहार का गरीबी अनुपात 33.7% था, 33.7%। अगला है, तेंदुलकर समिति के प्राविधि के अनुसार बिहार में वर्ष 2004-05 की तुलना में वर्ष 2011-12 में गरीबी अनुपात कितना घटा है? तो 20.7% गरीबी कम हुआ है 2011-12 में, ग्रामीण 21.6% और शहरी 12.5%। देखिए, यहाँ पे ग्रामीण लोग ही आगे आ गए, ठीक है। अगला है, बिहार में राज्य योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया जाता है? राज्य योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो राज्य नियोजन परिषद द्वारा, ये नोट कर लेंगे आप, राज्य नियोजन परिषद द्वारा। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में कुल कार्यरत व्यक्तियों का क्षेत्रवार वितरण, देखिए अलग अलग लोगों का मैंने परसेंटेज निकाला है, मैंने खुद नहीं निकाला है, डेटा कहीं से लिया है, ठीक है। कृषक मजदूर 52.8%, कृषक जो किसान है वो 20.7%, कुटीर उद्योग मजदूर 4.1% और अन्य मजदूर 4.1%, ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो कैसा लगा इसका कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, मैं पूरा डिटेल्स नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा जल्दी में मैंने इन सबको कवर किया है, और आगे जो मैं वीडियो बनाऊँगा 12 तारीख के बाद, उसमें पूरा डिटेल्स में बताऊँगा कि
चाहे कोई भी टॉपिक हो उसमें सारा चीज़ डिटेल्स करके बताऊंगा, इसके बाद उस पर मैं कुछ एमसीक्यूज लाऊंगा, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। इसमें तो वैसा मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, सिर्फ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो कमेंट में आप ज़रूर लिखें, जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है उसके बारे में लिखें कि ये एग्ज़ाम हमारा आने वाला है, इस पर कुछ वीडियो बनाइए, या कोई आपको ऐसा लगता है कि ये टॉपिक से कुछ क्वेश्चन आते हैं तो वो टॉपिक कमेंट में आप लिखिए। सो थैंक यू।